वाणी कहती है साधो केहर कही करमा, संयम करना कहते हैं। आप किसी भी वस्तु में संयम करेंगे तो आपको उसके अनुकूल सिद्धि मिल जाएगी और उससे अलौकिक घटनाएं आप दिखा सकते हैं। लेकिन ये कौन सी बड़ी बात है? जैसे मैंने कई बार चर्चा में इस प्रसंग को सुनाया है, स्वामी रामतीर्थ एक बार ऋषिकेश गए, वो नौका से गंगा जी को पार करने लगे। एक महात्मा आए, कहे कि स्वामी रामतीर्थ, मैंने तुम्हारा इतना नाम सुना है और तुम साधारण व्यक्तियों की तरह नाव पर पैसा देकर के पार कर रहे हो। देखो मैं तो खड़ाऊ पहनकर सीधे गंगा जी को पार कर जाता हूँ। स्वामी रामतीर्थ हंसने लगे, कहने लगे कि महात्मा जी ये बताइए, इस सिद्धि को पाने के लिए आपने कितने वर्ष साधना की है? महात्मा ने कहा कि 12 वर्ष। रामतीर्थ कहते हैं तब तो आपकी सिद्धि का मूल्य केवल 2 पैसे हो गया। देखिए मैं 2 पैसे देकर नदी के उस पार चला जाता हूँ और आपने 12 वर्ष घर द्वार छोड़ करके कठोर साधना की केवल इस नदी को पार करने के लिए, इसे क्या लाभ हुआ? महात्मा जी को अपनी भूल का एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आप देखते हैं मछली कितनी आसानी से पानी में तैर लेती है। एक योनि है मछली जिसमें वो स्वयं को नहीं जानती, गंदगी से गंदी चीज को खा लेती है। आप भी मछली की तरह पानी को जीत करके पानी पर चलना शुरू कर दें तो अध्यात्म का यही लक्ष्य तो नहीं है? आध्यात्मिक क्षेत्र तो बना है केवल आत्मा को परमात्मा से मिलन कराने के लिए। आत्मा प्रियतम के प्रेम और आनंद में विहार करे, आत्मा अपने स्वरूप को जाने कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मैं हड्डी और मांस का एक लोथड़ा भर नहीं हूं। वायु अनिलम अमृतम अतिदिन इदम शरीरम भस्मांतम, शरीर तो नश्वर है, आत्मा अखंड है, परमात्मा अखंड है। अखंड आत्मा का अखंड प्रियतम परब्रह्म से मिलन हो जाए, साक्षात्कार हो जाए और उनके प्रेम में आत्मा डूबे रहे, इससे बड़ी और कोई उपलब्धि नहीं होती। जैसे सारी सिद्धियों को पाने के बाद क्या मिलेगा? अष्ट सिद्धि नव निधि आपको मिल जाए, आप आकाश में अदृश्य होने लगे, आकाश में उड़ने लगे। जैसे किसी बहुत हल्की सूक्ष्म वस्तु पर धारणा करेंगे, ध्यान करेंगे रुई जैसी वस्तु पर, तो आपका भी वजन हल्का हो जाएगा, आप आकाश में पक्षी की तरह उड़ने लगेंगे। तो बेचारे पक्षी तो आकाश में स्वतः उड़ा करते हैं, पतंगे उड़ा करते हैं, आप पक्षियों की तरह उड़ने लगे तो कौन सी बड़ी बात आपने कर ली? लेकिन दुनिया की दृष्टि में आप महान योगी राज कहलाएंगे, दुनिया आपके चरणों में नतमस्तक हो जाएगी। आपकी आत्मा को क्या मिला? आप मन को संतोष देंगे कि इतनी दुनिया, इतने हजारों लोग मेरे चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं, इसे तो आपने अहंकार की ओर वृद्धि कर ली। सर्वशक्तिमान परमात्मा के समकक्ष आपने अपने अहंकार का पर्वत इतना ऊंचा कर लिया कि ऐसी दूरी बना दी कि मिलन होना ही कठिन हो जाएगा। यह सबसे बड़ी बाधा है। जो सच्चा योगी होगा, सच्चा प्रेमी होगा, वो अपने प्रियतम की महिमा दर्शाएगा या अपनी महिमा दर्शाएगा, यही सबसे बड़ा अपराध लगता है। संसार में कामी होना, क्रोधी होना, लोभी होना, मोही होना, अहंकारी होना एक बहुत बड़ा पाप है। लेकिन सबसे बड़ा अपराध उस समय खड़ा होता है जब हम प्रियतम के समकक्ष अपनी सत्ता दिखाना शुरू कर देते हैं। एक ऐसा विकार है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन ये सबसे बड़ा विकार है। यदि कोई व्यक्ति पाप करता है, कामी है, क्रोधी है, लोभी है, लेकिन प्रियतम के शरण में चला जाता है कि हे परब्रह्म, मैं तो विकारवान हूं, आप मेरे इस विकार को दूर कीजिए, अपना प्रेम मुझे दीजिए, वह श्रेष्ठ है। या एक वो व्यक्ति जो सिद्धियों का प्रदर्शन करता फिर रहा है और हजारों लोग उसके चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं कि योगीराज भगवान की जय, योगीराज भगवान की जय, वह व्यक्ति तो प्रतिष्ठा में भूल कर परमात्मा की भक्ति से भी दूर हो गया। सारी बात छोड़िए, आध्यात्मिक क्षेत्र में कितने झगड़े चल रहे हैं। अमुक महाराज का अमुक महाराज से वैर, अमुक विद्वान का अमुक विद्वान से द्वेष। एक बार एक सेठ जी के पास 2 विद्वान गए। एक विद्वान जब बाथरूम में गए
दोनों को निमंत्रण था भोजन के लिए। सेठ जी ने पूछा कि बताइए वो विद्वान कैसे हैं, तो उन्होंने कहा अरे वो बिल्कुल बैल है, उसको कुछ नहीं आता। थोड़ी देर के पश्चात वो आ गए, जो पहले बाथरूम में गए थे दूसरे को जाने की आवश्यकता हुई, उन्होंने उनसे पूछा कि ये विद्वान कैसे हैं। उन्होंने कहा कि अरे आप जानते नहीं, बिल्कुल गद्दा है, इसको कुछ नहीं आता। दोनों को भोजन करने का समय आया, सेठ जी ने पंक्ति में बैठा दिया, एक के सामने भूसा रख दिया, एक के सामने घास रख दिया। दोनों विद्वान गुस्से में लाल हो गए, हमको मनुष्य का भोजन रोटी दाल चावल खिलाएंगे कि घास और भूसा खिलाएंगे। सेठ जी ने कहा कि हम क्या कहें, आप इनको गधा कहते हैं, ये आपको बैल कहते हैं। ये है प्रवृत्ति। जब चार विद्वान हो, आप किसी को कह दीजिए कि आपको कुछ नहीं आता, देखिए उसका चेहरा कितना तमतमा जाएगा। और यदि आपने कह दिया कि आप जैसा कोई विद्वान नहीं, खुशी से पागल हो जाएगा, उसके अहंकार का विस्तार हो जाएगा। मनुष्य जब अपनी प्रशंसा सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन परमात्मा से जब होड़ बढ़ा ली जाती है, पतित शिरोमन यो कहे जो मैं किए हैं बज्रले मेरे साहिब सोदेश, तो ये ऐसा अहंकार होता है जो सामान्य रूप से नहीं दिखाई देता। एक धनवान कहता है कि मैं बहुत बड़ा धनवान हूं, तो उसका पता चल जाता है कि धन का अहंकार ही है। विद्वान कहता है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, तो उसके अहंकार का पता चल जाता है। लेकिन भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति जब सिद्धियों का प्रदर्शन करके संसार में प्रतिष्ठा पाता है और दुनिया उसके चरणों में लौटती है, कहती है कि आप तो महान योगीराज है, तो उसके अहंकार का पता नहीं चल पाता और वो अपने पतन की खाई उसी दिन से गिरना शुरू होता है। क्योंकि उसकी प्रसिद्धि किसके रूप में है? योगीराज के रूप में। योगीराज किसको कहते हैं? जो योगियों का राजा हो, महान योगी। लेकिन वो व्यक्ति तो योगी कहलाकर अपनी आत्मा को प्रीतम से दूर कर रहा है, क्योंकि समाधि की प्राप्ति कब होगी? ईश्वर परिधान से, सर्वस्व समर्पण से। न मैं ज्ञानी हूं, न विद्वान हूं, न तपस्वी हूं, न योगी हूं, न यति हूं, मैं कुछ नहीं हूं, केवल प्रीतम मैं आपकी आत्मा हूं। जब तक ये भावना नहीं आएगी, मेरा हाथ तुम्हारे हाथों में है। अब जब संध्या आरती में गाते हैं तो क्या कहते हैं? मैं अधीन करनी नहीं बांह गृह की लाज, मैं आपके अधीन हूं, मेरी तो कोई करनी रहनी है ही नहीं, आपने मेरा हाथ पकड़ा है तो इसकी लाज रखना। इसको कहते हैं सर्वस्व समर्पण। पिया तुम हो तैसी की जियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी, जैसा आप हैं हमको भी अपने जैसा बना लीजिए, हमें भी निर्विकार कर दीजिए, हमें भी अपने प्रेम में डुबो दीजिए, हमें जागृत कर दीजिए। यदि ये भावना करते हैं तो हमारी आत्मा जागने की तरह पड़ेगी। यदि आप अपने अहं का प्रदर्शन करने लगे, जैसे योगी समाधि अवस्था में एक साथ कई रूप धारण कर लेता है, यहां भी दिख रहा है, मुजफ्फरनगर में भी दिख जाएगा, मुंबई में भी दिख जाएगा। और जो व्यक्ति यहां भी दिख रहा है, मुंबई में भी दिख रहा है कि परमहंस वहां भी दिखाई देंगे, उसको तो यही लगेगा कि यही साक्षात परमात्मा है, यही साक्षात राज्य है। आप लाख समझाइए, उसके हृदय में आस्था बनी ही रहेगी। और जब लाखों लोग चमत्कार के बारे में सुन लेते हैं तो दुनिया टिड्डी दल की तरह टूट पड़ती है। दुनिया को क्या चाहिए? ऐश्वर्य चाहिए। दुनिया को केवल माया चाहिए। परमात्मा का दर्शन करने के लिए टिड्डी दल की तरह दुनिया कभी नहीं आएगी, आप इस बात को ध्यान में रख लीजिए। संसार को केवल माया चाहिए। कर्म करेगी दुनिया बुरे, और किसी योगी महात्मा के पास जाकर अपने सारे बुरे कर्मों को 5 मिनट के आशीर्वाद से समाप्त करा लेना चाहिए। आप ये सोचिए, भीष्म पितामह बाणों की सरसैया पर पड़े हुए हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण आते हैं मृत्यु से पहले, भीष्म पितामह पूछते हैं योगेश्वर बताइए
मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं, मैंने 100 जन्मों में कोई पाप नहीं किया है, लेकिन यह मेरे किस अपराध की सज्जा है कि बाणों की सैया पर मुझे इतने समय तक लेटे रहना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भी पितामह, आप 101वें जन्म के बारे में आपने नहीं देखा, आज से 101 जन्म पहले आपने अपनी बाणों से एक ऐसे अजगर को बीत दिया था जो नागफनी के कांटों पर गिरकर अपने शरीर में कई छेद करवा लिया था। वो निर्दोष था, उसी के पाप के प्रायश्चित स्वरूप आपको बाणों की सैया पर लेटना पड़ा है। आप सोचें, भीष्म पितामह जैसा योगी, ब्रह्मचारी, तपस्वी भी कर्मफल के सिद्धांत से नहीं बच सका, तो आप जिसके पास आएंगे, आप किसी महात्मा से आशीर्वाद मांगेंगे, आपके दबाव में आशीर्वाद तो वो दे देगा। इस जन्म में आप बच जाएंगे, लेकिन अगले जन्म में कर्मफल आपका पीछा करेगा। हाँ, यदि आप भक्ति की राह पर चल पड़े तो संचित और क्रियमाण की अग्नि से, संचित और क्रियमाण जो पाप हैं, आपके ब्रह्म साक्षात्कार के कारण समाप्त हो जाएंगे और प्रारब्ध भी बहुत थोड़ा रह जाएगा। यदि प्रारब्ध कर्मों के अनुसार आपको फांसी की सजा मिलनी है तो आपको ठोकर लग जाएगी, कांटा चुभ जाएगा, थोड़ा कष्ट होकर के, लेकिन कुछ ना कुछ भोगना पड़ेगा। इस कारण योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मनुष्य को शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, नहीं तो बताइए। योगेश्वर श्री कृष्ण जैसे महान विभूति को बहेलिए के बाण के शिकार होने की क्या हो सकता थी, क्योंकि कभी कभी बहुत पहले विष्णु रूप श्री कृष्ण ने, विष्णु रूप राम ने बाली को भी तो ऐसे ही छिप कर मारा था। वो मारना पड़ा था मजबूरी में, क्योंकि बाली अत्याचार पर उतर आया था, अपने भाई के साथ अन्याय कर रहा था, रावण का साथ दे रहा था। मारना तो ठीक था, लेकिन छिप करके मारा। वैसे ही उस बहेली को कोई स्वार्थ नहीं था, उसने तो समझा कि कोई हिरन है। आज आप किसी को चांटा मारेंगे तो आपको कोई चांटा मारेगा, आज नहीं तो 50 वर्ष के बाद वो दंड आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। इसलिए संसार को तो आप कभी खुश नहीं कर सकते, कितना भी आप वरदान देते फिरिए, सारी दुनिया को आप कभी खुश नहीं कर पाएंगे। एक महात्मा जी थे, उन्होंने घोर साधना की, नारायण को प्रसन्न कर लिया, पौराणिक मान्यता है। नारायण उनके सामने आए, उन्होंने पूछा कि क्या चाहते हो। महात्मा जी ने कहा कि देखिए, मैं जिसको चाहूं जीवित कर दूं, ये मुझे वर दे दीजिए। नारायण ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, जीवित तो कर दोगे, लेकिन आपको अपनी उम्र का उतना भाग देना पड़ेगा, 5 वर्ष 2 वर्ष 10 वर्ष, जितने समय के लिए आप जीवित करोगे आपकी उम्र में से कटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति की मर्यादा को मैंने बनाया है, तो मैं ही उसे नष्ट नहीं कर सकता। महात्मा जी ने बात मान ली, एक को जीवित किया, दूसरे को जीवित किया, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, करते करते कितनों को जीवित करेंगे। यदि 5-5 साल को बांटे, उनकी उम्र 50 साल है, तो 10 को बांटते बांटते 10 को जिंदा करने में तो सारी उम्र उनकी खत्म हो जानी थी। एक को पता चला कि वो महात्मा सिद्ध रहते हैं, वहां जाओगे जिंदा कर देंगे, दूसरा मरे हुए को लाया, ऐसा करते करते लाइन लग गई, महात्मा जी की उम्र हो गई समाप्त। वे मर चुके थे, लेकिन उनकी कुटिया के आगे लाशों की लाइन पड़ी थी। सबसे कहा जा रहा था कि अरे तुम्हारा नंबर भी नहीं आएगा, दुनिया कह रही थी कि हमें कुछ नहीं सुनना। किसी सेवक ने कहा कि महात्मा जी का तो देह त्याग हो गया, जो लाइन में खड़े थे लाशें ले लेकर कह रहे थे कि हमें कुछ नहीं सुनना है, पहले मेरा नंबर लगा दो। आप सोचिए, दुनिया अपने कर्मों से अपना उम्र भुगत रही है, आप सिद्धि पाकर कितनों कितनों को जिंदा करोगे। आगम भाको मन की परखो सूझे चौदे भवन, मृतक को जीवित करो पर घर के न होवे गम। सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारा मूल घर कहाँ है, हम कहाँ से आए हैं, जब शरीर छूटेगा तो हम जाएंगे कहाँ। ये इतना सुंदर हड्डी मांस से ढका हुआ ये पुतला दिख रहा है, कभी बालक था ये अवस्था में और सुंदर दिखता है, वृद्धावस्था में इसकी कुरूपता दिखाई देने लगती है। हम आधे घंटे अपना शरीर का श्रृंगार करने में लगा देते हैं, वृद्ध हो जाएगा,
फिर एक दिन मृत्यु की गोद में सो जाएगा और इस शरीर को जला दिया जाएगा। लेकिन प्रश्न यह है, जब हमारे शरीर को जला दिया जाएगा तब हमारा हाल क्या होगा, हमें उस समय कैसा दिखेगा? हमारी आस्था कहती है कि हम राज्य के पास चले जाएंगे, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रश्न तो खड़ा होता है, यदि हमने चितवनी की होगी तो हमें राज्य साक्षात दिखेंगे, उनकी कृपा हमको उनके चरणों में ले जाएगी, खेल खत्म होने के बाद हम परम धाम चले जाएंगे। लेकिन ऐसी मान्यता है, योगियों का मत है या दूसरों का जो इसके विशेषज्ञ हैं, जब मनुष्य शरीर छोड़ता है तो सूक्ष्म शरीर से वो अपने मृतक शरीर को देखता रहता है, उसकी इंद्रियां होती नहीं, स्थूल इंद्रियां जिसे वो बोल सके, वो अपने संगे संबंधियों को रोते बिलखते देखता है, उनसे कहना चाहता है कि मत रो, लेकिन उस बोलता है बोले कैसे। इसलिए कहा जाता है कि कोई मर जाता है तो ज्यादा रोइए नहीं, लेकिन ये तो ममता का संसार है, पीड़ा तो सभी की होती है, बड़े बड़े महात्माओं को भी पीड़ा होती है, अपने स्नेही संबंधी कोई दुनिया से चला जाए तो कष्ट होता है, लेकिन जिन्होंने मृत्यु और जीवन के रहस्य को समझ लिया है, जाते से ही ध्रुव मृत्यु, जिसने जन्म धारण किया है मृत्यु तो उसके पीछे उसी दिन चल देती है, मृत्यु हर पल पीछा कर रही होती है, जितना समय उसके कर्मों के अनुसार है उस शरीर की उम्र उतनी निर्धारित होती है, और उस उम्र को बढ़ाना या घटाना उसके हाथ में है। यदि वो परमात्मा की भक्ति में लग गया, प्रकृति की दिनचर्या को नियमित रूप से बिताएगा तो उसकी उम्र बढ़ जाएगी, और यदि पाप के मार्ग पर चल पड़ा तो उसकी उम्र कम भी हो जाएगी, कोई निश्चित नहीं है कि इनकी उम्र इतनी ही होगी। हाँ, पूर्व के कर्मों के अनुसार मनुष्य की निश्चित उम्र होती है, लेकिन भावी समय में हम अपने शुभ कर्मों के द्वारा उम्र को बढ़ा सकते हैं, बुरे कर्मों के द्वारा हमारी उम्र घट जाएगी। सामान्य अवस्था में मनुष्य की उम्र वही निश्चित रहती है, मृत्यु का एक निश्चित समय होता है, जब उस समय पर मृत्यु को टाल देंगे तो आने वाले समय के लिए आप जीवित रह सकते हैं। ऐसी घटना हुई, संत ज्ञानेश्वर जिनकी उम्र 16 वर्ष थी, उनके भाई थे विभूतिनाथ और उनकी एक बहन थी छोटी, उनके सामने शायद 1600 वर्षों या 1200 वर्ष के एक योगी थे, हठ योगी। वो क्या करते थे, जब मृत्यु का समय आता था तो योग बल से जान लेते थे कि मेरे मृत्यु का समय क्या है, और मृत्यु के आने से पहले कुछ क्षण पहले अपने जीव को शरीर से बाहर निकाल लेते थे, मृत्यु आती थी लौट जाती थी, मरे हुए शरीर को क्या करेगी मृत्यु। जब मृत्यु का समय बीत जाता था तो फिर अपने शरीर में घुस जाते थे। इस तरह से उन्होंने 16 जन्मों के बराबर आयु पाली थी, 1600 साल की थी, कहां 16 वर्ष के संत ज्ञानेश्वर और कहां 1600 साल के योगीराज। आत्मतत्व का ज्ञान नहीं, सिद्धियां हैं उनके पास। अंत में आप जानते हैं 21 वर्ष की अवस्था में ज्ञानेश्वर ने जीवित समाधि ले ली थी, और वही ज्ञानेश्वर हैं जिन्होंने पंडितों के सामने भैंसे से वेद मंत्र पढ़वाया था, क्योंकि पंडित लोग कर्मकांडी थे, उनको समझिए कोई भिक्षा देने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो भ्रष्ट सन्यासी के पुत्र थे। भ्रष्ट सन्यासी इसलिए कहा गया कि उनके पिता विवाह के पश्चात अचानक ही घर छोड़ करके चले गए थे, महात्मा बन गए थे। जब उनकी माँ अकेले विरह में कई वर्ष गुजार दिए तो एक महात्मा जी आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि पुत्रवती भव। ज्ञानेश्वर जी की माता ने कहा कि महात्मा जी आप अपना आशीर्वाद वापस ले लीजिए, क्योंकि मेरे पति तो यहाँ से चले गए हैं और मुझे छोड़कर महात्मा बन गए हैं, आपका आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। महात्मा ने कहा कि मेरा आशीर्वाद तो झूठा नहीं हो सकता, तुम्हारा पति अवश्य आएगा, और वो स्वयं खोज में चल दिए। संत ज्ञानेश्वर के पिता की खोज करते करते वो महात्मा जी उनको पा गए, और उन्होंने डांट करके कहा कि जाओ तुम गृहस्थ जीवन बिताओ, क्योंकि मैंने आशीर्वाद दिया है और मेरे आदेश पर तुम्हें जाना पड़ेगा। परिणाम उनके पिता को वापस लौटना पड़ता है। तब ज्ञानेश्वर जी का, उनके भाई विभूतिनाथ का और एक बहन का जन्म हुआ। दोनों भाइयों को योग की शिक्षा मिलती है गुरु गोरखनाथ के शिष्य जो गुफा में बैठे होते हैं,
उनके द्वारा दोनों भाई योग में प्रवीण हो जाते हैं, उनकी बहन भी योग में प्रवीण हो जाती है। लेकिन जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं उनका ये जो पवित्र संस्कार नहीं करते, क्योंकि ये भ्रष्ट सन्यासी के पुत्र थे, कोई उनको भिक्षा देने के लिए तैयार नहीं होता कि भ्रष्ट सन्यासी है। बहुत अपमान का जीवन व्यतीत करते हुए दोनों भाइयों गुजर रहे होते हैं। जब एक बार शास्त्रार्थ में पंडित कहते हैं कि तुम भ्रष्ट सन्यासी के पुत्र हो, तुम कैसे ये जो पवित्र के अधिकारी हो, क्या भैंसा भी तुम्हारे समान है? तो ज्ञानेश्वर कहते हैं कि हाँ मेरे समान है, देखिए इस भैंसे से मैं वेद मंत्र का पाठ करवा देता हूँ। उन्होंने पुरुष सूक्त का पाठ किया, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, थोड़ी देर में भैंसा भी वैसे ही बोलने लगा सहस्त्र शीर्षा पुरुषा। अब सारे कर्मकांडी ब्राह्मण उनके चरणों में लोट पोट हो गए और कहा कि इनका ये जो पवित्र करने का अधिकार हमें नहीं है। आप सोचिए ऐसी महान विभूति थे संत ज्ञानेश्वर। उनकी बहन कुएं पर स्नान कर रही थी, वही 1600 वर्षों की उम्र वाले महात्मा। आज 1600 वर्ष का कोई महात्मा होता तो सारा हिंदुस्तान उनके दर्शन के लिए आता, जितने महान योगीराज हैं। कुएं पर स्नान कर रही थी उनकी बहन, वो भी तपस्विनी थी, योगिनी थी, नंग धड़ंग होकर नहा रही थी। उन्होंने देखकर अपनी आंखों पर कपड़ा रख लिया। ज्ञानेश्वर जी की बहन आती है और कस करके एक चांटा लगाती है, कहती है कि मूर्ख तुम 1600 वर्ष के हो गए, मुझको नहाते देखकर तुम्हारे मन में विकार पैदा होता है, तुम अपनी आंखें बंद कर लेते हो, कपड़ा से ढक लेते हो, तुमने क्या योग साधना की है? अब सोचिए 1600 वर्ष के योगी को एक बार 14 वर्ष की लड़की कस करके सबके सामने चांटा लगाती है, किसके बल पर? आत्मज्ञान के बल पर। सिद्धियों का महत्व भोली भाली जनता के लिए है। आगम भाखो मन की परखो, आप भविष्य की बातें जान जाइए। आप देखिए नोस्ट्रादमस की किताबें दुनिया में कितनी बिक रही हैं, जहां जाइए बुक स्टॉल पर नोस्ट्रादमस हो रहा है। उसने संकेतों में कह दिया है कि 400 साल पहले फ्रांस का, कि ये होगा ये होगा। दुनिया सोचती है कि कोई अलौकिक व्यक्तित्व था। जब भूकंप आना होता है कुत्ते बिल्लियों सबको पता चल जाता है, मछलियों तक को पता चल जाता है कि भूकंप आना है। कुत्ते रोने लगते हैं, बिल्लियां रोने लगती हैं, पशु पक्षी चहचहा कर उड़ने लगते हैं, उनको पता चल जाता है। मनुष्य अपनी शक्तियों का विकास कर ले तो त्रिकालदर्शी हो सकता है। सुषुम्ना जिसकी प्रवाहित हो जाएगी, आंतरिक सुषुम्ना, वो त्रिकालदर्शी हो जाएगा। इसको कहते हैं आगम भाखो, भविष्य की बातें बता देना। यदि सरसावा में भविष्य की बात बताने वाला कोई हो जाए तो मैं समझता हूँ सवेरे से शाम तक उसके यहाँ लाइन लगी रहेगी। आप यहाँ अक्षरातीत की वाणी सुनाई कोई सुनने के लिए नहीं आएगा, लेकिन भविष्य की बातें सुनने जानने के लिए सब लोग आएंगे। लेकिन आप सोचिए किसका परिणाम क्या होगा। यदि कोई किसी के घर चोरी कर लिया है, आपका निकटवर्ती है, तब तो जरूर आपके पीछे लगेगा कि बता दीजिए मेरा सामान किसने चोरी किया है। यदि आप नहीं बताते हैं तो रिश्ता टूटता है, यदि आप बता देते हैं तो चोर आपका बैरी होगा और अकेले में आपका कुछ भी करेगा। खतरा किसने बोला? आपने। इस तरह की विद्या से क्या मिला? आपने अहंकार में वृद्धि की कि देखो मैं भविष्य की बातें जान सकता हूं। आगम भाखो मन की परखो, किसी के मन की बातों को जानना बहुत सरल है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका प्रदर्शन करके आप क्या पाएंगे? आप सोचिए जब मनुष्य शांत मन से बैठा होता है, मैं एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं। लंदन में बीबीसी लंदन से समाचार आता है रेडियो में, आप सरसावा में बैठकर रेडियो का जो रेडियो की ट्यूनिंग घुमाते हैं और बीबीसी लंदन के निशान पर आप सुई लगा देते हैं तो बताइए 1000 रेडियो यूपी में बज रहे हों तो 1000 के पास वही आवाज चली जाती है, दूसरे को सुनाई नहीं पड़ रही है।
आप ट्यूनिंग लगाते हैं तो आपके रेडियो में आवाज आ रही है। जो लंदन में बोला गया वो ध्वनि आकाश में व्याप्त हो गई। जिसके पास ग्रहण करने की सामर्थ्य रही उसने अपने ट्यूनिंग वहां लगाकर आवाज को सुन लिया जो वहां बोला क्या जा रहा है। वैसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसा होता है। कोई व्यक्ति जो 1000 किलोमीटर दूरी पर 10000 किलोमीटर दूरी पर क्या सोच रहा है, आपका मन उसी समय शांत है, निर्विकार है। आप संकल्प करें कि वह व्यक्ति क्या सोच रहा है तो उसकी विचार तरंगे आपके मन मस्तिष्क से टकराएंगे और आप उसको जान सकते हैं कि यह व्यक्ति सोच क्या रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। ये कौन सी बड़ी बात है। आत्मा का परमात्मा से मिलन का तो कोई मार्ग नहीं। एक तरफ है सर्वशक्तिमान परमात्मा, सकल गुण निधान, अनंत प्रेम सौंदर्य और आनंद को लिए हुए। एक तरफ आप सिद्धियों का प्रदर्शन करते जा रहे हैं, मन की बात जानते रहे हैं, भूत भविष्य वर्तमान की बातें जान रहे हैं। आप यहाँ बैठे हैं और मुंबई की किस गली में कितने नंबर की बस जा रही है सबको बता करके खुश हो रहे हैं और सारी दुनिया आपकी जय जयकार लगा रही है कि देखिए महाराज जी कितने बड़े त्रिकालदर्शी हैं, यहाँ बैठे बैठे सबको देख रहे हैं। जो आपके भक्त होंगे वो परमात्मा से ज्यादा श्रद्धा आप पर रखेंगे। आप लाख बार समझाइए कि अरे भाई परमात्मा कोई और है, उनके चरणों का ध्यान करो। दुनिया कहती है कि नहीं हमें उनको नहीं, हमारे साक्षात परमात्मा तो आप हैं। देखिए आप तो यहीं बैठे बैठे बम्बई की किस सड़क पर कौन सी बस जा रही है अब उसका नंबर भी बता रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है ये बता रहे हैं। आगम भाखो मन की परखो सूझे चौदह भवन, कहाँ क्या हो रहा है आप सब बता सकते हैं ध्यान समाधि के द्वारा। योग दर्शन में एक सूत्र आता है, भुवन जानम सूर्य संयमात, सूर्य में संयम, सूर्य नाड़ी में संयम समझिए, या सूर्य में संयम करेंगे, सूर्य सबका प्रकाशक है, उसमें संयम करेंगे किस ब्रह्मांड में किस ग्रह नक्षत्र में क्या चल रहा है आप जान सकते हैं। चंद्रमा पर क्या है उसको जानने के लिए योगी को किसी राकेट यान में जाने की जरूरत नहीं है, वो समाधि लगाकर देख लेगा कि चंद्रमा पर क्या क्या पदार्थ हैं, मंगल ग्रह पर क्या क्या पदार्थ हैं। लेकिन वहां के जड़ पदार्थों को देखने से उसको मिलेगा क्या, जैसे चोर क्या चोरी किया कहां छिपा कर रखा है यह मालूम हो गया किसी योगी को, मालूम तो कर लेगा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा को क्या मिलना है। प्रकृति के नियमों को तोड़ने से उसको प्रसिद्धि मिल सकती है लेकिन बदले में उसका अहंकार बढ़ेगा। हाँ कहीं कभी जन कल्याण का कार्य करना होता है तो वह विवश होकर के करना पड़ता है, लेकिन अहंकार से रहित होकर के ये कार्य करना चाहिए। जैसे शंकराचार्य जी को काम शास्त्र सीखना था तो उन्होंने अमरुक राजा के शरीर में प्रवेश किया, वो संकट की घड़ी थी। यदि आदि शंकराचार्य शास्त्रार्थ हार जाते तो उनको गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना पड़ता, क्योंकि मंडन मिश्र ने पहले ही शर्त रख दी थी कि जो हारेगा वो एक दूसरे का आश्रम स्वीकार करेगा। मैं हारूंगा तो मैं सन्यासी बन जाऊंगा, आप हारेंगे तो आपको ये दंड कमंडल हटा करके विवाह करना पड़ेगा और मेरी तरह गृहस्थी बनना पड़ेगा। और यदि शंकराचार्य हार जाते तो वेद धर्म का प्रचार कौन करता। इसलिए मंडन मिश्र की पत्नी भारती को हराने के लिए विवश होकर शंकराचार्य को पर काया प्रवेश की सिद्धि का प्रयोग करना पड़ा। सिद्धियां आपके पास आती हैं तो उनको दासी बनाकर अपने साथ रखिए, अहंकार न कीजिए कि मेरे पास शक्ति है। आप अपने ज्ञान का, अपनी सिद्धि का, अपने सौंदर्य का, अपने धन का किसी प्रकार का अहंग न पालिए, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र में सबसे बड़ी बाधा अहंकार की होती है। मोमिन बल धनी का दुनी तरफ से ना तो कहे धनी बराबर, जो मूल स्वरूप है धाम के मान। तीसरा चरण देखिए कितना महत्वपूर्ण है। मोमिन बल धनी का, मोमिनो ब्रह्मसृष्टियों के पास किसका बल होता है, राज्य का। दुनी तरफ से ना, दुनिया का बल नहीं होता। जैसे मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं, भारत के राष्ट्रपति की पत्नी आपके बीच में आ जाए और
सबसे कहने लगे, देखिए मैंने इतनी भाषाओं पर अधिकार कर लिया है, मेरे पास इतनी कोठियां हैं, इतनी गाड़ियां हैं, बैंक बैलेंस इतना है, इतने हीरो के हार हैं, तो आप क्या करेंगे? या तो वहां से आप खिसक लेंगे या अनसुना कर देंगे। वह केवल इतना कह दिया कि मैं राष्ट्रपति महोदय की पत्नी हूं, तो अपनी विशेषताएं न बताए तो भी आप क्या करेंगे, उसकी अगवानी करेंगे, स्वागत करेंगे, क्योंकि उसकी गरिमा किससे? राष्ट्रपति से। मोमिन बल धनी का, आप केवल अपने प्रीतम की महिमा गाइए कि मेरी आत्मा का प्रीतम अक्षरातीत सर्वशक्तिमान है, सकल गुण निधान है, अनंत प्रेम और आनंद का सागर है, और मैं इसकी अर्धांगिनी हूं, मैं उसकी आत्मा हूं। इससे क्या हो गया? अर्धांगिनी को तो आधा अधिकार मिल गया। आप अपनी प्रशंसा जब करेंगे तो आपका बल बहुत थोड़ा रहेगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया, राष्ट्रपति महोदय की पत्नी जब अपनी महिमा गाती है तो दुनिया कभी सम्मानित नहीं करती, जब राष्ट्रपति का परिचय देती है तो सारा संसार, सब हर कोई सम्मान करता है कि राष्ट्रपति महोदय की पत्नी है। ब्रह्म सृष्टियों को करना चाहिए कि अपने धनी की महिमा गाए, सारा संसार उनकी महिमा गाएगा। झगड़े की जड़ में क्या है? हर व्यक्ति अपनी महिमा चाहता है। झगड़े में क्या कारण है? अब पूरे हिंदू समाज का, पूरे संसार की प्रवृत्ति है, जितने पंथ हैं, 1000 पंथों के आचार्य सारे एक मंच पर इकट्ठे कर दीजिए, सब सोचेंगे मैं बड़ा, पहले मैं प्रणाम क्यों करूं। इनमें तो झगड़े हो जाते हैं कि किसका आसन ऊंचा, किसका आसन नीचा। कुंभ के मेले लगते हैं, वहां झगड़े होते हैं कि हमारा अखाड़ा बड़ा, सबसे पहले डुबकी हम लगाएंगे, जुलूस सबसे पहले किसका निकालेगा, इसका जुलूस पहले निकलेगा। नागाओं से पहले किसी ने स्नान कर लिया तो नागा लोग मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। उनका क्या कहना होता है? हम नंगे हैं इसलिए हमसे ज्यादा कोई विरक्त कुछ भी नहीं। नंगे तो पशु पक्षी भी रहते हैं, जितने जानवर हैं सब नंगे ही रहते हैं, तो क्या योगीराज होते हैं? इन नागा लोगों को न वाणी पर संयम होता है, न जिह्वा पर संयम होता है, न मन पर संयम होता है, योग साधना भी नहीं जानते, वेद शास्त्र भी नहीं जानते, केवल नग्न रहने से सोचते हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं, पानी में डुबकी पहले हम लगाएंगे, हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं। ये तो अहंकार और बढ़ गया। चिंतामणि को श्री जी ने यही तो कहा था, एक डारी तो दूजी भी डारो, जलाए देव चतुराई। ऐ चिंतामणि, तुमने छोटी आग को छोड़ा, बड़ी आग तूने लगा ली। तभी संबोधन करके कहते हैं, सुनो रे सबके बंजारे, एक बात कहूं समझाए, बंद पर बंद दिए बिद बिद के, सो छोड़ियो किन्हों न जाए। एक बंधन है, एक गृहस्थी है, अर्थोपार्जन कर रहा है, ईमानदारी से खा रहा है, पी रहा है, यदि वो कुछ बड़ा नहीं कर रहा है तो पाप तो नहीं कर रहा है, अहंकारी तो नहीं बन रहा है। 5-10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, जितना हो सकता है परमात्मा के चरणों में शीश तो झुकाता है। लेकिन यदि आपने घर द्वार छोड़ दिया, सिद्धियां आपके साथ चलने लगी, हजारों भक्त आपकी जय जयकार लगा रहे हैं, और आपका सीना चौड़ा हो जाता है कि मैं योगीराज कहला रहा हूं, हजारों भक्त मेरी आरती के लिए खड़े हैं, और मैं इतनी सिद्धियों पर राज किया हूं, तो आप सोचिए, प्रकृति के विधान को तो आप नहीं बदल सकते, आप एक साथ 2 सूर्य पैदा नहीं कर सकते, एक साथ 1 लाख व्यक्तियों को मार नहीं सकते, एक साथ 1 लाख व्यक्तियों को जिंदा नहीं कर सकते। प्रकृति के दृश्यों में आप परिवर्तन दिखाकर चमत्कार दिखा देते हैं, दुनिया आपकी जय जयकार कर रही है, तो क्या आपने तो आध्यात्मिक सिंहासन में दाग लगा दिया। जो सच्चा ज्ञानी होता है वो क्या करता है? अपने ज्ञान का अहंग नहीं करता। वो क्या मानता है कि मैं ज्ञान के सागर में एक बूंद मात्र नहीं हूं। आप संसार के जितने बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, संगीत के या किसी क्षेत्र के, उनसे पूछिए, वो कहते हैं कि भाई संगीत तो एक सागर है, और उस सागर के किनारे मैं कंकड़ बिनने वाला भी मैं नहीं बन पाया हूं, उस संगीत के सागर की एक बूंद भी मेरे पास अभी नहीं आई है, मैं तो उसकी सुगंध से ही
उस परमात्मा की कृपा से कुछ गुनगुना लेता हूं, और जो छोटे कलाकार हैं वो आपस में लड़ते रहेंगे, मेरे से अच्छा वो नहीं गा सकता, मेरे जैसा कोई कलाकार नहीं। वैसे छुटभैये विद्वान आपस में सारे लड़ते रहते हैं कि मेरे से अच्छा प्रवचन कोई नहीं दे सकता, मेरे से इस विषय का ज्ञाता कोई भी नहीं है। जो वास्तव में विद्वान है, वास्तव में ज्ञानी है, वो अपने ज्ञान के अंग को, विद्या के अंग को डस्टबिन में पहले ही डाल देता है, क्योंकि ज्ञान अहंकार नहीं देता है। अहंकार कहां से पैदा होता है? अज्ञानता से। जिसने सर्वशक्तिमान परमात्मा के अनंत ज्ञान को देखा है, वो अहंकार किस बात का करेगा? आप देखिए, भर्तृहरि ने एक बार कहा है कि जब मैं पहले सोचा करता था कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, लेकिन जब विद्वानों की संगति में गया तो लगा कि मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है, और मेरा अहंकार टुकड़े टुकड़े हो गया। गांव का जो चौधरी होता है सबको दबाता रहता है कि देखो गांव का मैं चौधरी हूं, मेरे आगे तुम खाट पर नहीं बैठना। लेकिन वो गांव का चौधरी जब किसी बड़े नगर में जाए, महानगर में, तो देखता है कि सारे करोड़पति अरबपति हैं, तो उसको शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं तो 20-25 लाख की संपत्ति लेकर पूरे गांव वालों को दबाता रहा, यहां तो मुझे कोई अपने पास बैठने भी नहीं देगा। आप आंखें खोलकर रात को खुले आकाश की तरफ देखिए, कितने करोड़ों नक्षत्र आकाश में जगमगा रहे हैं, उनके सामने पृथ्वी का अस्तित्व क्या है? जैसे समुद्र के किनारे एक बालू के कण का अस्तित्व होता है, उसी तरह से इस सृष्टि में पृथ्वी का अस्तित्व एक कण के बराबर भी नहीं है। और इस पृथ्वी पर आपके भारत जैसे न जाने कितने देश हैं, करोड़ों की संख्या में गांव और नगर हैं, उनमें अरबों लोग रहते हैं, आपका एक छोटा सा परिवार है, थोड़ी सी धन संपदा है, 80-100 साल की उम्र है, आपके पास है क्या? ये सारा अहंकार रूप का, धन का, कुल का, प्रतिष्ठा का, ये अज्ञानता के कारण होता है। यदि आप वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो न धन का अहंकार रहेगा, न रूप का अहंकार रहेगा, न विद्या का अहंकार रहेगा, न कला का अहंकार रहेगा। एक भावना रहेगी कि मैं अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत की ब्रह्मात्मा हूं, प्रियंगना हूं, ब्रह्मांगना हूं, और ये मेरा अधिकार है। मोमिन बल धनी का दुनी तरफ से ना तो कहे धनी बराबर, जो मूल स्वरूप है धाम के मां। इनके मूल तन क्या है? परम धाम में। परम धाम की जो सच्ची ब्रह्मात्मा होगी वो अपने किसी भी उपलब्धि का अहंकार नहीं करेगी, न ज्ञान का, न भक्ति का, न प्रतिष्ठा का, न ऐश्वर्य का। और जो छुटभैये विद्वान गादीपति महंत होते हैं, आप देखिए उनके सामने तो आप बैठ भी नहीं सकते। हो सकता है आपको दरवाजे के बाहर से कह दिया जाएगा कि नहीं, महाराज जी के कक्ष में घुसना नहीं। आप सोचिए, मनुष्य अपने अहं की जितनी वृद्धि करता जाता है उतना गिरता जाता है, और जितना अपने को मिट्टी में मिलाता जाता है वो उतना ही महान होता जाता है। एक सुंदर साथ ने एक अपनी घटना सुनाई थी कि वे बद्रीनाथ के पास रहा करते थे, उनकी नियुक्ति पोस्टिंग हुई थी। मुजफ्फरनगर के कोई उनके विभाग के अधिकारी थे PWD में, उनके बारे में वो बताने लगे। अभी उससे उनका परिचय नहीं हुआ था, उनके विभाग के वो सबसे बड़े अधिकारी थे। उन्होंने देखा सबेरे नित्य कर्म से निवृत्त होकर, उस समय शौचालय की व्यवस्था थी नहीं क्योंकि नई जगह पोस्टिंग हुई थी बद्रीनाथ के पास के इलाके में, वो लोटा रख करके कहीं टहलने चले गए थे। उन्होंने देखा कि सफेद कुर्ता पजामा में एक व्यक्ति उनके लोटे को माँज रहा है, मिट्टी से धो रहा है। उन्होंने सोचा कि ये बिना परिचय के कौन है ऐसा जो मेरे बर्तन को, मेरे गंदे लोटे को माँज रहा है, या तो वो पागल है या परमहंस है। दूसरा कोई सोच जाए और उसके बर्तन को बिना परिचय के कौन माजेगा, या तो पागल या परमहंस, चतुर आदमी तो नहीं माजेगा।
झूठी पतल कौन उठाएगा? जो श्री कृष्ण जैसा योगेश्वर होगा वही तो दूसरे की झूठी पतल उठाएगा। महाभारत का अप्रसंग जानते हैं, युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था, दुर्योधन ने क्या सेवा मांगी? मुझे दान की सेवा मिले। जब दान आप देंगे तो प्रतिष्ठा आपकी होगी ना। कर्ण ने दान मांगा, दुर्योधन ने खजाने की सेवा मांगी कि धन मेरे पास रहना चाहिए। श्री कृष्ण क्या सेवा मांगी? कि जो भी याज्ञिक ब्राह्मण होंगे सबके पैर मैं धोऊंगा और सबकी जूठी पतल मैं उठाऊंगा, सबसे छोटा काम। यदि जूठी पतल उठाने की सेवा दुर्योधन को दे देते युधिष्ठिर, तो उसी दिन दुर्योधन वापस चला जाता कि मैं इतना छोटा हूं कि सबकी जूठी पतले उठाऊं। जब अग्र पूजा का समय आया कि किसकी पूजा की जाए, भीष्म पितामह ने कहा कि योगेश्वर श्री कृष्ण की पूजा कीजिए, क्योंकि यहाँ जितने ऋषि मुनि राजा आए हैं श्री कृष्ण से बढ़कर कोई ज्ञानी, श्री कृष्ण से बढ़कर कोई योगी और श्री कृष्ण से बढ़कर कोई महापुरुष नहीं है। 16 कला संपन्न योगेश्वर श्री कृष्ण है और वो योगेश्वर श्री कृष्ण सबकी जूठी पतल उठाते हैं। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारे सुंदर साथ में भी अभी ये गुण नहीं आ पाया है। भले ही हमारे पास परम धाम का ज्ञान है, न हमारे पास विनम्रता है, न हमारे पास सेवा है, न हमारे पास अपने अहं को मिटाने की भावना है, हम सारे सुंदर साथ तो लड़ते कितने हैं। विद्वानों की लड़ाई आप सुन लेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। उनके बीच लड़ाई चलती है कि मंच पर पहली पंक्ति में कौन बैठेगा, दूसरी में कौन बैठेगा, तीसरी में कौन बैठेगा, पहले ही से निश्चित हो जाता है। तीसरी व्यक्ति पंक्ति वाला बेचारा विद्वान यदि पहली पंक्ति में बैठ गया तो उसकी आफत है, उसको उठा करके बैठा दिया जाएगा। आप सोचिए, यदि हम आत्म तत्व की दृष्टि नहीं रखते हैं, शरीर और संसार पर जाते हैं, तो इसका मतलब हम आध्यात्मिक ज्ञान से कोसों दूर हैं। पूरे देश में ऐसा ही हो रहा है, हमारे समाज की ही बात नहीं है, पूरे देश पूरे संसार में यही चलता है। क्योंकि यह मनुष्य की कमजोरी है, बाहर की आंखों से बाहर का दृश्य दिखता है। आप विवाह में फटे पुराने कपड़े पहन करके चले जाइए, लोग सोचेंगे कहां से फटीचर आ गया, कोई आपको अपने पास नहीं बैठने देगा। शादी विवाह में तो होड़ मचती है, कौन कितने आभूषणों से सजकर आया है, किसके शरीर पर कितने अच्छे कपड़े हैं, कितनी महंगी गाड़ी में आया है, दुनिया इसको देखती है। अंतर में क्या है ये कौन देखता है? किसी के बाह्य सुंदरता को तो सब देखते हैं, कुरूपता को देखकर घृणा से मुंह फेरने वाले भी बहुत लोग होते हैं, लेकिन आत्मदृष्टि को देखकर उससे प्रेम करने वाला कौन होता है? अष्टावक्र जब जनक की सभा में गए तो सभी ने हंसी उड़ा दी, क्योंकि उनका शरीर 8 अंगों से टेढ़ा था। फिर अष्टावक्र ने कठोर स्वरों में फटकार लगाई, हम तो परम धाम के ज्ञान पर चलने वाले हैं, लेकिन जब हम भी सोचते हैं कि पता नहीं राज्य से अच्छे तो दुनिया के देवी देवता हैं, जिनके पास सिद्धियां होती हैं, हम तो कोई चमत्कार दिखा नहीं पाते, साईं बाबा के पीछे दुनिया लगती है, हमारे प्राणनाथ जी के पीछे कोई नहीं लगता। वो मुरारी बाबू की कथा में कई कई लाख लोग होते हैं, वाणी सुनने वाले 100-200 होते हैं, और अभी भी देखिए भागवत की किस्सा कहानियों पर लाख लोग आते हैं। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग अब भागवत करना चाहते हैं, ब्रह्मवाणी सुनाना नहीं चाहते, क्योंकि भागवत सुनाने से एक हफ्ते में कई लाख मिलते हैं और वाणी सुनाने से शायद 5,000 भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए, एक तरफ धर्म की राह पर चलने पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम 14 वर्ष का वनवास पाते। यदि मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते थे कि नहीं मैं वन में नहीं जाऊंगा, मुझे तो अयोध्या का सिंहासन मिलना चाहिए, सिंहासन तो मिल जाता, लेकिन भगवान राम को कोई मर्यादा पुरुषोत्तम राम आज नहीं कहता। इसलिए ध्यान रखिए, सिद्धियों के पीछे भागिए नहीं, चमत्कारों को सब कुछ ना मानिए। साधो कहर कही करमात ए दुनिया ती चराचे, श्री प्राणनाथ जी के साथ अक्षरातीत कावेश लीला कर रहा है महामती जी के धाम हृदय में। उनको कोई आवश्यकता नहीं थी कि कोई भिक्षा मांगकर लाए और उसको वो ग्रहण करें।
यदि पन्ना की धरती को वो हीरो का बना सकते हैं तो मंदसौर में भी बना सकते थे, औरंगाबाद में भी बना सकते थे, रामनगर में भी बना सकते थे, लेकिन नहीं, इससे प्रकृति की मर्यादा नष्ट हो जाती। जो साथ में सुंदर साथ हैं सबको संघर्षों की अग्नि में तपाना है, तपा करके कुंदन बनाना है। तब पन्ना जी में जब आवश्यकता पड़ी तो छत्रसाल जी को कह दिया कि छत्रसाल प्रातःकाल से लेकर शाम तक जहां तक तुम घोड़ा दौड़ा लोगे यह धरती हीरा उगलने लगेगी। मंदसौर में भी दो चार हीरे निकाल देते तो 9 महीने का समय गुजर जाता, क्या जरूरत थी भिक्षा मांगने की। लेकिन नहीं, भिक्षा मंगा कर ही तो सबके अहंकार को नष्ट करना था, क्योंकि पन्ना में पहुंचने पर तो खिलवत उतरेगी, सागर की वाणी उतरेगी, श्रृंगार की वाणी उतरेगी। और जब वाणी उतर रही हो, मुकुंददास जी सोचे कि मैं इतना बड़ा विद्वान, लालदास जी सोचे कि मैं अरबोपति, भीम भाई सोचे कि मैं वेदांत का सूरत का विद्वान, तो अहंकार से भरे हृदय में परमधाम का अमृत कहां से उड़ेला जाता। इसलिए श्री जी ने कहा उदयपुर में सबको वैरागी का भेष बना दो और मंदसौर में सबको भिक्षा पात्र पकड़ा दो, जाओ भिक्षा मांग कर लाओ तो भोजन मिलेगा, नहीं तो मेरे पास से चले जाओ। श्री जी को चाहिए तो भिक्षा मांग कर लाइए, और एक दो दिन नहीं, 9 महीने। अब उस संघर्ष की अग्नि में सबका अहंकार समाप्त, क्योंकि सबको याद है कि हमने तो भिक्षा मांगी थी 9 महीने घर घर जाकर, कितनी जगह दुत्कार देखी, कितने संकट देखे, धूप सहा, शीत सहा, वर्षा सहा, और वे संघर्षों की अग्नि में तपकर जब 5000 की संख्या पन्ना जी पहुंचती है तो हर सुंदर साथ ने यही बैठे बैठे साक्षात परम धाम को देखा, इन नैनों से देखा। बिना ध्यान किए भी जब श्री जी चर्चा करते हैं तो सबको दर्शन होने लगते हैं, क्यों? क्योंकि अपना अहंकार समाप्त कर दिया था। सबके हृदय में एक ही बात थी, यही अक्षरातीत हैं, यही हैं धनिताओं, ये प्राणनाथ जी अक्षरातीत हैं। सबके अंदर श्रद्धा का रस आया, समर्पण का रस आया, उस श्रद्धा और समर्पण ने सबकी सुरता को परम धाम में पहुंचा दिया। छत्रसाल जी को भी सुख दिया, और छत्रसाल जब युद्ध के मैदान में होते हैं तो तलवार चलाते हैं, जब सुंदर साथ के बीच में आते हैं तो 8 पहर की सेवा में, 6 पहर की सेवा में छत्रसाल जी हमेशा खड़े रहते हैं। देवकरण जी झाड़ू लगाते हैं, आप सोचिए देवकरण जी क्या है, महाराजा छत्रसाल जी के प्रधानमंत्री हैं एक प्रकार से, और बुंदेला राज्य का प्रधानमंत्री झाड़ू लगा रहा है। हमारे सुंदर साथ को मैं देखता हूं जब वार्षिकोत्सव होता है तो पहले दिन सब लोग नाम लिखा लेते हैं कि हम ये सेवा करेंगे, हम ये सेवा करेंगे, 2 दिन के बाद सब खिसक जाते हैं, अपने घर पर सब काम करेंगे लेकिन राज्य की सेवा में किसी का मन नहीं लगता, क्योंकि वो श्रद्धा नहीं, वो भावना नहीं, वो समर्पण नहीं। जब सुकरताल में गुरुद्वारा बनने का प्रसंग आया, उस समय मैं रतनपुरी आश्रम में था, पंजाब के मुख्यमंत्री आए थे, सिर पर टोकरा उन्होंने ढोया गुरुद्वारे में सेवा की, यानी फावड़े से मिट्टी भरते थे, सिर पर रख करके गुरुद्वारे में डालते थे। आप सोचिए हमारा सुंदर साथ तो पहले ही खिसक जाता है कि हमको किसी सेवा के लिए न कह दिया जाए। आप सोचें सेवा करे न जनाम ही अपने आत्म के कारण, सेवा कौन करेगा जिसने अपने अहंकार का विसर्जन कर दिया है। समर्पण जो करेगा उसी को तो सब कुछ मिलेगा। जिस चना ने मिट्टी में अपने को दबाकर स्वयं का अस्तित्व मिटा दिया, चने को मिट्टी में दबा दीजिए तो उसको चना नहीं कह सकते क्योंकि चना तो दिखेगा ही नहीं, लेकिन कुछ समय के बाद चने से एक अंकुर फूटेगा और उस चने जैसे दर्जनों चने पैदा हो जाएंगे। लेकिन जो चना धरती के ऊपर रह जाएगा कि नहीं मैं चना कहलाता रहा हूं तो क्या होगा, उसमें अंकुर नहीं फूटेगा। कोई चिड़िया भी आकर उस चने को चुग सकती है या चना ऊपर पड़े पड़े सड़ जाएगा। मिट्टी में मिला हुआ चना सड़ेगा नहीं, एक दूसरा पौधा बना देगा। इसी तरह से जिसने अपने ज्ञान के अहं को मिटा दिया, प्रतिष्ठा के अहं को मिटा दिया, धन के अहं को मिटा दिया, अपने हृदय में समर्पण सेवा प्रेम का रस बहा लिया, उसको इतनी बैठे दीदार निश्चित होना है। सूर्य पश्चिम में उग जाए, चंद्रमा
अग्नि की किरणें छोड़ने लगे। सागर सूख जाए यह हो सकता है, लेकिन जिसके हृदय में प्रेम रहेगा, समर्पण रहेगा, उसको यह कहने की शिकायत राजी नहीं आने देंगे कि मैं तुम्हें दीदार नहीं दूंगा, अवश्य मिलेगा। जो चितवनी करेगा, अपने हृदय में प्रेम समर्पण भरकर, अहंकार को किनारे मानकर, जिसने अपने प्राणेश्वर को पुकारा है, उसका प्राणेश्वर तो प्राण की नली से भी निकट है, अवश्य दर्शन होगा। मैंने कहा ना, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, ये वाणी का कथन है। सूर्य पश्चिम में उग सकता है, मान लिया जाए, सागर सूख सकता है, यह भी हो सकता है, लेकिन यह नहीं हो सकता कि जिसके हृदय में प्रेम हो, विरह हो, समर्पण हो, और उसको राजी ना मिले। इसलिए यदि कोई बहकाता है कि चितवनी करने से राजी नहीं मिलते हैं, तो कहिए कि आप अपने वचनामृत आपके पास रखिए, ज्यादा बोलते हैं तो यह कह दीजिए कि आपको किसी पागलखाने में होना चाहिए, आपके प्रवचन सुनने की हमें कोई आवश्यकता नहीं। पूरी वाणी का सार एक ही है, अपनी आत्मा के धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर को बसाइए, प्रेम से पुकारिए, सिद्धियों के पीछे मत चलिए कि मरे हुए को जिंदा करने लगे, भविष्य की बातें बताने लगे, आकाश में उड़ने लगे और चमत्कार दिखाने लगे, एक साथ कई रूप धारण करके दुनिया से अपनी पूजा कराने लगेंगे, तो क्या होगा? कुछ समय के बाद दुनिया आपकी पूजा करेगी और आपको भी भुला देगी। यह संसार किसी का नहीं है। यदि आपके पास कोई आता है तो उसको केवल परम धाम की राह दिखाइए, अपनी महिमा न बताइए कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। आपने जो कुछ किया उसकी कृपा से किया, आपको वो शक्ति दी गई महान कार्य कराने के लिए, आपके पास ज्ञान है, भक्ति है, सेवा का गुण है, तो आपके शरीर को तो माध्यम बनाया जा रहा है, आप थोड़े हैं। कभी आप बच्चे थे, आप अपने कपड़े को गंदा कर देते थे, आप पहली कक्षा में गए होंगे, छठी कक्षा में गए होंगे, आपको किसी ने सिखाया होगा, आपका कोई गुरु रहा होगा। इस मानव तन में आने के बाद कोई भी असीम शक्तियों का स्वामी नहीं बनता। सर्वशक्तिमान अक्षरातीत भी किसी तन में प्रवेश करते हैं तो उसके अहंकार को पहले समाप्त करा देते हैं, वो भी परमात्मा प्रकृति की मर्यादाओं को नहीं तोड़ते, क्योंकि यदि प्रकृति की मर्यादाओं को तोड़ दिया जाए तो संसार की सारी मर्यादा समाप्त हो जाएगी और धर्म से सारा संसार विमुख हो जाएगा और परिणाम यह होगा कि विनाश हो जाएगा। इसलिए संसार के सभी नियमों का पालन करते हुए हमें आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। राज्या पर किसी भी प्रकार की कृपा करते हैं तो किसी तरह का अहंग नहीं पालना है, प्रेम के पथ पर बढ़ते जाइए हर पल। ऐसा कोई दिन न बीते, कोई रात न बीते, जिस दिन आपने अपने प्राणेश्वर को अपने हृदय मंदिर में न पुकारा। किसी को छोटा न समझिए, किसी गरीब को सताइए नहीं, किसी गरीब से घृणा न कीजिए, किसी सुंदर साथ को छोटी जात का मान करके उससे घृणा न कीजिए। उसके आहत होने से आप सोचिए आप किसकी भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं। यदि आप किसी को जाति के नाम पर, धन के नाम पर, विद्या के नाम पर अपमानित करते हैं और उसके हृदय को पीड़ा होती है, तो आपके घंटी घड़ियाल बजाने से, नाचने कूदने से राज्य रिझने वाले नहीं है। आप सबके हृदय में प्रेम का संचार कीजिए। महामती जी ने क्या कहा है, त्रैलोकी छाक छकाऊ, प्रेम प्याला में भर भर पीऊ, त्रैलोकी छाक छकाऊ, चौदह लोक में करूं जाला, भोर ब्रह्मांड पे पास जाऊं। हमारा उद्देश्य तो इतना महान होना चाहिए, लेकिन ये तब होगा जब ब्रह्मवाणी के ज्ञान का प्रकाश सब में फैले। हम सुंदर साथ अभी सेवा के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं, समर्पण के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं, प्रेम के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं, ज्ञान के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं। 300 वर्षों से हमारे समाज को इतना जर्जर बना दिया गया है कि किसी ने नियमित तरीके से समाज को अग्रसर करने के लिए प्रयास नहीं किया। लेकिन हम अपनी विकृतियों पर रोना ही रोते रहेंगे तो इसे कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है। जब जागे तभी सवेरा, ये मान लेना चाहिए। अब जागने की आखिरी वेला में हमें सजग रहने की आवश्यकता है। हमारा हर पल सार्थक बने, ज्ञान के लिए, प्रेम के लिए, श्रद्धा के लिए, समर्पण के लिए, चितवनी के लिए हमारा हर क्षण लगे, तो निश्चित है कि एक दिन हम अपने प्राणेश्वर को अपने धाम हृदय में देख लेंगे और हमारा मानव जीवन भी धन धन हो जाएगा।